Hello students, myself Dr. Vinita Rathod, Associate Professor of Zoology at SMB Government PG College, Nathdwara. Today we will discuss characteristics of phylum Platyhelminthes. The word Platyhelminthes is derived from two Greek words. The first word is platys, which means flat, and the second word is helminths, which means worm. Platyhelminthes शब्द का विकास ग्रीक भाषा के दो शब्दों के द्वारा हुआ है, जिसमें प्रथम शब्द है प्लेटिस, जिसका अर्थ होता है चपटा, और दूसरा शब्द है हेलमिंस, जिसका अर्थ होता है क्रमी। इसीलिए सामान्यतया प्लेटिहेलमिंथीज के जंतुओं को हम चपटे क्रमी भी कहते हैं। प्लेटिहेलमिंथीज आर द एनिमल can exist in the animals of phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes के जीव स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। These animals are bilaterally symmetrical with definite polarity of anterior end which is having head and the posterior end which ends in tail. ये द्विपार्श्व सममित जंतु होते हैं जिनमें एक निश्चित पोलैरिटी होती है और शरीर के अग्र भाग में सिर तथा पश्च भाग में पूंछ स्थित होती है। These animals are dorsoventrically flattened animals. Usually, these are with a well-defined ventral surface which bears mouth and gonopore. क्योंकि ये चपटे क्रमी हैं, इसलिए पृष्ठ और अधर सतह से चपटे होते हैं और मान्यतया इनकी जो वेंट्रल सरफेस होती है उसके ऊपर मुख तथा गोनोपोर या जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। दीज एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस देयर बॉडी इज डिराइव्ड फ्रॉम थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जंतु त्रिजनन स्तरीय प्राणी होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का अर्थ त्रिजनन स्तरीय है, इनका विकास भ्रूणीय अवस्था की तीन परतों के द्वारा हुआ है और इन तीन परतों का नाम क्रमशः एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है। The body shape of these worms are generally worm-like but varies from moderately elongated flattened shape to long flat ribbons and leaf-like structure. सामान्यतया इनका जो शरीर है वो क्रमी के आकार का होता है, किंतु कुछ अलग अलग जंतुओं में थोड़ा अलग मॉडिफिकेशंस भी दिखाई देते हैं और कुछ जंतु इसके पत्ती के समान या फिर कुछ जंतु इसके रिबन के समान भी हो सकते हैं। द फ्लैटवर्म्स आर स्मॉल टू मॉडरेट इन साइज, वेरिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू एक्सट्रीमली इलोंगेटेड फॉर्म्स मेजरिंग अप टू 10 टू 15 मीटर्स। सामान्यतया जो ये प्लेटिहेलमिंथीस के जंतु हैं, जिन्हें कि हम फ्लैटवर्म्स या चपटे क्रमी भी कहते हैं, इनका आकार माइक्रोस्कोपिक से लेकर के इतना ज्यादा लंबा भी हो सकता है, जैसे कि 10 से 15 मीटर तक की भी इनकी लंबाई हो सकती है। मेजोरिटी ऑफ फ्लैटवर्म्स आर वाइट, कलरलेस, सम डिराइव कलर फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड, व्हाइल द फ्री लिविंग फॉर्म्स आर ब्राउन, ग्रे, ब्लैक और ब्रिलियंटली कलर्ड। सामान्यतया चपटे कृमि सफेद या रंगहीन दिखाई देते हैं और कुछ में जो भोजन वो ग्रहण करते हैं उस भोजन के रंग के वो दिखाई देने लगते हैं। इसमें जो कुछ स्वतंत्र जीवी प्राणी हैं, उनका रंग भूरा, स्लेटी, काला या अलग अलग से सुंदर रंगों को लिए हुए भी हो सकता है। The interior end of the body is differentiated into the so-called head. पूर्व में भी हमने आपको बताया कि इनके शरीर में पोलैरिटी निश्चित होती है, इसलिए इनका जो शरीर का अग्रस्त भाग होता है उसको सिर कहा जाता है। Ventral surface bearing mouth and genital pore is well marked in turbilarians but is less marked in trematodes and cestodes. जो पृष्ठ और अधर सतह पर ये चपटे होते हैं उनमें से हमने आपको बताया था कि कुछ जीवों में वेंट्रल सरफेस पर मुख
तथा जेनाइटल पोर्स पाए जाते हैं। तो ये मुख तथा जेनाइटल पोर्स सुगठित रूप से हमको टर्बिलेरिया के जीवों में देखने को मिलते हैं और ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा के जो जीव हैं उनमें इतना क्लियर कट डिमार्केशन नहीं दिखाई देता है। प्रेजेंस ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ एडहेसिव सीक्रीशंस एंड ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट एंड एडिशन आर प्रेजेंट इन एनिमल्स ऑफ फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीस। द ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट दे आर मे बी सकर्स, हुक्स and sometimes spines। प्लैटिहेल्मिन्थीस के जंतुओं में आसंजन हेतु आसंजी स्राव स्रावित किए जाते हैं और आसंजन हेतु इनके शरीर में कुछ संरचनाएं भी उपस्थित हो सकती है जैसे कि चूषक अथवा हुक। द बॉडी इज कवर्ड विथ अ सेल्यूलर सिंसिशियल वन लेयर्ड पार्टली सीलिएटेड एपिडर्मिस व्हाइल इन पैरासिटिक trematodes and cestodes, epidermis is lacking and the body is covered with cuticle। प्लैटिहेल्मिन्थीस के जंतुओं का शरीर एक कोशिकीय syncytial one-layered ciliated epidermis के द्वारा आस्तरित रहता है, जबकि जो इसके parasitic forms हैं, जो कि trematoda और cestoda के जंतु हैं, उनमें epidermis का अभाव होता है और इनका शरीर क्यूटिकल के द्वारा आस्तरित रहता है। एक्सो एंड एंडोस्केलेटन आर कंप्लीटली एब्सेंट, हेंस द बॉडी इज जनरली सॉफ्ट। इनके शरीर में बाह्य एवं अंतः कंकाल का पूर्णतया अभाव होता है और इसी कारण से इनका शरीर काफी मुलायम और नर्म होता है। हार्ड पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, स्पाइंस एंड हुक्स। कठोर भागों के रूप में इनके शरीर पर केवल मात्र क्यूटिकल, स्पाइन अथवा हुक्स उपस्थित हो सकते हैं। प्लैटिहेल्मिन्थीस आर ए सीलोमेट, दैट इज ट्रू सीलोम इज एब्सेंट इन देम। देयर इज नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन देयर बॉडी। द बॉडी स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स इज फिल्ड विद मेसेनकाइम, यूजुअली कॉल्ड पैरेन्काइमा। प्लैटिहेल्मिन्थीस के जंतु ए सीलोमेट प्रकार के होते हैं। इनके अंदर वास्तविक सीलोम का या देह गुहा का अभाव होता है, अगुही जंतु कहलाते हैं। इनके शरीर में जो स्थान खाली स्थान होता है उसके अंदर मेसेनकाइमल सेल्स भरी रहती हैं, जिसे कि पैरेन्काइमा कहा जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज totally absent in acoela and tapeworms, but in other flatworms it consists of mouth, pharynx and blind or branched intestine. Anus is absent in these animals. Platyhelminthes के जंतुओं में पाचन तंत्र पूर्णतया acoelomata के जो जंतु हैं acoela के उनमें अनुपस्थित होता है। साथ ही साथ जो फीताक्रमी हैं, उनमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का अभाव होता है, किंतु जो अन्य चपटे क्रमी हैं, इनके अंदर पाचन तंत्र पाया जाता है, जिसमें मुख, फेरिंग्स तथा शाखान्वित इंटेस्टाइन या आंत पाई जाती है, जो कि अंतिम सिरे से बंद होती है, ब्लाइंड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइन एनस के रूप में शरीर से बाहर नहीं खुलती है। सो वी कैन से that incomplete digestive system can be seen in some of the flatworms. Although tissue organ grade of organization is found in platyhelminthes, that is, body cells aggregate to definite tissues and tissues make up organs, still respiratory system and circulatory system are absent in these animals. Platyhelminthes ke jantuon mein विकास का क्रम अगर देखें तो इनका जो शरीर है वो ऊतक अंग तंत्र के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कोशिकाएं एकत्रित होकर के एक निश्चित ऊतक बनाती है। ऊतक मिलकर के विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं। बावजूद इसके इन जंतुओं में श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। Excretory system consists of single or paired protonephridia with
फ्लेम सेल्स और बल्ब्स। इन ए सीला विच आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द प्लैटीहेलमिंथीज द प्रोटोनेफ्रीडिया आर एब्सेंट। उत्सर्जन तंत्र में इनके शरीर में एक अथवा एक जोड़ी प्रोटोनेफ्रीडिया जो कि ज्वाला कोशिका युक्त होते हैं उपस्थित रहते हैं, किंतु इनके जो प्रिमिटिव या अल्प विकसित जीव हैं उनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया अनुपस्थित होते हैं। नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव। द मेन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लियन और ब्रेन एंड 1-3 पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स which are connected to each other by transverse commissures. This type of nervous system is called ladder type of nervous system. इन जंतुओं का जो तंत्रिका तंत्र है वो भी अल्प विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है। मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लियन जिसे मस्तिष्क के समान रख सकते हैं मान सकते हैं वो उपस्थित होते हैं और इसके साथ ही 1-3 पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स एक या एक से लेकर के तीन लंबी नर्व कॉर्ड्स उपस्थित होती हैं जो आपस में ट्रांसवर्स कमिश्चर के द्वारा जुड़ जाती हैं। इन नर्व कॉर्ड्स का ट्रांसवर्स कमिश्चर के द्वारा जुड़ने से इनका आकार सीढ़ी नुमा दिखाई देता है। इसी कारण से इनका जो तंत्रिका तंत्र है उसे सीढ़ी नुमा तंत्रिका तंत्र या लैडर टाइप नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर ऑफ कॉमन अकरेंस इन टर्बुलेरिया बट दीज आर ग्रेटली रिड्यूस्ड इन पैरासिटिक फॉर्म्स। कीमो एंड टैंगो रिसेप्टर्स कॉमनली अकर इन द फॉर्म ऑफ सीलिएटेड पिट्स एंड ग्रूव्स। As sensory organs, simple eye spots can be seen in the free living forms. इन जंतुओं में जो स्वतंत्र जीवी जंतु जैसे कि जो टर्बुलेरिया के जंतु हैं उनके अंदर संवेदी अंग उपस्थित होते हैं, किंतु जो परजीवी रूप हैं उन परजीवियों के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स का पूर्णतया अभाव होता है। कीमो एंड टैंगो रिसेप्टर्स यानी कि जो केमिकल्स और छूने की संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले संवेदांग हैं वो सामान्यतया इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि सीलिएटेड पिट्स या ग्रूव्स में उपस्थित रहते हैं। सेक्सेस आर यूनाइटेड दैट इज दे आर हर्मेफ्रोडाइट विद अ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। दीज एनिमल्स आर most of them. Well-developed gonads, gonoducts and accessory organs are also present in them. Eggs are mostly devoid of yolk and yolk produced separately in yolk or vitellin glands. इन जंतुओं के अंदर सामान्यतया उभयलिंगी प्राणी पाए जाते हैं, अर्थात नर और मादा जननांग दोनों एक ही जीव के अंदर उपस्थित होते हैं। इनके अंदर जनद का विकास अच्छी तरह से होता है जिसमें गोनाड्स, गोनोडक्ट्स और एसेसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। इनके अंडे मुख्य रूप से ऐसे होते हैं कि जिनमें योग का लगभग अभाव सा होता है और अगर योग बनता है किसी में तो वो वाइटेलिन ग्लैंड्स के द्वारा योग का निर्माण इनमें किया जाता है। The reproductive system is highly evolved or complex in most of the forms. जो प्रजनन तंत्र है उसको हम कह सकते हैं कि इनमें काफी विकसित प्रकार का प्रजनन तंत्र पाया जाता है, क्योंकि हमने कहा इनमें गोनाड्स भी हैं, गोनोडक्ट्स भी हैं और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी उपस्थित होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन by fission occurs in many freshwater turbularians. जो इसमें स्वतंत्र जीवी जल में रहने वाले स्वच्छ जल में रहने वाले टर्बुलेरिया के जीव हैं उनमें अलैंगिक प्रजनन फिशन के द्वारा या विभाजन के द्वारा देखा जाता है।
इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लैटीहेलमिंथीज एग्स आर डिवॉइड ऑफ योक बट दे आर प्रोवाइडेड विद स्पेशल योक सेल्स एंड आर कवर्ड बाय एग शेल्स। सामान्यतया प्लैटीहेलमिंथीज के जंतुओं के जो अंडे हैं उनमें योक का अभाव होता है, किंतु कुछ स्पेशल योक कोशिकाएं जिन्हें कि हम विटेलिन ग्लैंड्स कहते हैं वे उपस्थित होती हैं एंड उनके द्वारा एग शेल का निर्माण किया जाता है या वो एग शेल के द्वारा कवर्ड होती हैं। फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन ट्रेमेटोड्स एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन सेस्टोड्स इज वेरी कॉमन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। प्लैटीहेलमिंथीज के जंतुओं में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो अंतः निषेचन देखने को मिलता है, कुछ में परनिषेचन और कुछ में स्वनिषेचन की प्रक्रिया होती है। परनिषेचन का मतलब यह है कि एक जीव के अंडाणु का निषेचन दूसरे जीव के शुक्राणु के द्वारा हो, ऐसी अवस्था हमको ट्रेमेटोडा के जंतुओं में देखने को मिलती है। स्वनिषेचन का अभिप्राय है कि उसी जंतु के अंडाणुओं का निषेचन उसी जंतु के शुक्राणुओं के द्वारा किया जाए, इसे स्वनिषेचन कहा जाता है और यह स्वनिषेचन सेस्टोडा के जीवों में सामान्यतया देखने को मिलता है। द लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड इन्वॉल्व्स वन और मोर होस्ट। इनका जो जीवन चक्र है वो जटिल प्रकार का होता है और इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने हेतु एक अथवा एक से अधिक परपोषी की आवश्यकता होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद इन जंतुओं के विकास की अगर हम बात करें तो इनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरह का विकास देखने को मिल सकता है। द डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यूजुअली इनडायरेक्ट इन एंडोपैरासाइट्स विथ अ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग मेनी लार्वा एंड होस्ट। सामान्यतया जो अप्रत्यक्ष विकास है वो अंतः परजीवियों में देखने को मिलता है जिनका जीवन चक्र बहुत कठिन या जटिल प्रकार का होता है, जिसमें कई सारी लार्वल अवस्थाएं होती है और इनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए एक से अधिक परपोषी की भी आवश्यकता पड़ती है। जो विकास की हम बात कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष विकास का मतलब होता है कि निषेचित अंडे के पश्चात सीधे नए शिशु का निर्माण ना हो करके कई लार्वल अवस्थाओं का विकास हो और उसके पश्चात वो लार्वा एक नए शिशु के रूप में परिवर्तित हो। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के डेवलपमेंट या विकास हमको देखने को मिलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी आर कॉमनली फाउंड इन ट्रेमेटोड्स एंड टेपवॉर्म्स। पार्थिनोजेनेसिस अर्थात अनिषेचन, बिना निषेचित हुए अंडा अगर एक नए जीव में विकास करता है तो इस प्रक्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। एंड पॉलीएम्ब्रियोनी अर्थात एक भ्रूण से वापस से अगली अवस्था के अनेक भ्रूण या एक लार्वा से अनेक अन्य लार्वा का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। दिस पॉलीएम्ब्रियोनी इज वेरी कॉमन इन ट्रेमेटोड्स एंड टेपवॉर्म्स। सम टेपवॉर्म्स प्रोपेगेट बाय एंडोजीनस और एक्सोजीनस बडिंग। तो ये जो फीताकृमी हैं, कुछ फीताकृमी ऐसे भी हैं जिनके अंदर एंडोजीनस अथवा एक्सोजीनस मुकुलन के द्वारा अंतः या बाह्य मुकुलन के द्वारा भी विकास का कार्य किया जाता है। द फ्लैटवॉर्म्स आर आइदर फ्री लिविंग और एक्टो और एंडोकॉमेंसल और पैरासाइट्स। जो चपटे कृमि हैं, इनका जीवन सभी तरह से हमको देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ जीव इसमें स्वतंत्र जीवी होते हैं और ये स्वतंत्र जीव स्वतंत्र रूप से व्यतीत कर सकते हैं। कुछ एक्टो और एंडोकॉमेंसल्स अर्थात बाह्य और अंतः सहजीवी हो सकते हैं। सहजीवी का मतलब कि दो जीव एक साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं जिसमें से किसी को नुकसान नहीं होता है।
और इसमें कई ऐसे हैं जो अंतः परजीवी या एंडो पैरासाइट के रूप में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अंतः परजीवी का मतलब ऐसी प्राणी जो परपोषी के शरीर के अंदर रहकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लैटिहेलमिंथीज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लैटिहेलमिंथीज।